वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 4 अगस्त 2023, और 4 अगस्त 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी पवन चक्की शुरू की है। पूरे देश को E20 ईंधन से कवर करने का भारत का लक्ष्य रखा गया, और श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। डेली आपको सुबह मेरी 6 बजे करंट की क्लास मिलती है, और संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है, और पूरा मंथ कंप्लीट होने के बाद पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है, और पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ ये क्लास आपको दी जाती है। मात्र 15 या 16 मिनट की ये क्लास डेली आपको मिलती है, और जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर आप इसकी PDF है डाउनलोड कर सकते हो। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, स्टार्ट करें। सारे साथी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे भी। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत ने कितने पदक जीते, तो भारत ने 17 पदक जीते। हाल ही में देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा झारखंड के अंदर। भारतीय मूल की किस लेखिका का पहला उपन्यास बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट के अंदर शामिल हुआ, तो ये है चेतना मारू का। हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सर्वाधिक अरबपति विधायकों के साथ कौन सा राज्य सबसे आगे है, तो वो है कर्नाटक राज्य। हाल ही में जुलाई 2023 में माल व सेवा कर यानी कि GST संग्रह 1,61,497 करोड़ रुपए से बढ़कर कितना हो चुका है, तो ये 1.65 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। किस राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना प्रारंभ की, तो ये की है हरियाणा की सरकार ने। प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किताब और इलेस्ट्रेशन द्वारा ऋषि राज की पुस्तक है, ये किसकी पुस्तक है, ऋषि राज की पुस्तक है कारगिल एक यात्री की जुबानी, इसका विमोचन किसने किया, तो ये किया है अजय भट्ट ने। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर दिया है बढ़िया तरीके से। और हमारे प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर टेस्ट चल रही है, कल मैंने सूचना सहायक के अंदर खूब सारे टेस्ट डाल दिए, ठीक है, राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर्स के। इसी के साथ लगातार आपको आल एग्जाम के अंदर भी मैंने पूरे बहुत सारे टेस्ट आपको एक साथ अपलोड कर दिए हैं, तो आप बढ़िया तरीके से टेस्ट ज्वाइन करें। और BSTC एग्जाम के लिए भी 99 रुपए के अंदर टेस्ट चल रही है, और उसके बाद में और संगणक की कोई विद्यार्थी तैयारी कर रहा है उसके साथ साथ मैंने भी राजस्थान और इंडिया के इसमें भी खूब सारे टेस्ट डाल दिए हैं, और जूनियर अकाउंटेंट के अंदर भी खूब सारे टेस्ट डाल दिए। तो आप टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करें बढ़िया तरीके से, लगातार आपको टेस्ट सीरीज में लगातार मिलते रहेंगे। और RSSMB द्वारा पूछे गए ओल्ड क्वेश्चन है उसमें भी लगातार आपको धीरे धीरे टेस्ट आपको मिलते जाएंगे, तो ये भी आप 100 रुपए के अंदर ज्वाइन करें। बाकी आपको अलग से, अब जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए आपके आपके अलग से टेस्ट भी स्टार्ट होने जा रही है, इसमें करंट है और महिला एवं बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन और कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज आपको मिलते जाएंगे। तो कल आज या कल तक आपको वो क्या है ऐप के अंदर टेस्ट मिल जाएगा, लॉन्च हो जाएगा, तो बढ़िया तरीके से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और लगातार अपनी तैयारी को आप मजबूत करते जाएं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने, श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो श्रीलंका के अंदर एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, इसके अंदर भारत ने कितने पदक जीते, तो भारत ने 14 पदक जीते हैं। कितने, भारत ने इसके अंदर 14 पदक जीते हैं। कहां पर आयोजन हुआ इसका, श्रीलंका के अंदर। भारतीय टीम ने श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 9 स्वर्ण पदक, 4 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 14 पदक जीते हैं, ठीक है। 9 तो स्वर्ण पदक जीते, 4 रजत पदक जीते और 1 मात्र कांस्य पदक जीता, तो टोटल कितने पदक जीते, 14 पदक। इसमें भारत के भाला फेंक खिलाड़ी किशोर कुमार जेना ने भी इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, और उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष फेंक खिलाड़ी की ट्रॉफी से भी उनको सम्मानित किया गया। यानी कि भारत के खिलाड़ी कौन है, किशोर कुमार है, और उन्होंने इस खेल में स्वर्ण पदक जीता, तो उन्होंने क्या है, भाला फेंक के खिलाड़ी है, और इनको इसके अंदर ट्रॉफी से इनको सम्मानित किया गया है, तो इसके अंदर टोटल भारत ने 14 पदक जीते हैं। पीएम मोदी ने कब तक पूरे देश को E20 ईंधन से कवर करने का भारत का लक्ष्य रखा है, तो इसमें क्या है, पीएम मोदी ने क्या है पूरे देश को क्या है E20 यानी कि मेथेनॉल ईंधन से क्या है 20 ईंधन से कवर करने का भारत का लक्ष्य रखा है 2025 तक, ठीक है। कब तक रखा है, 2025
25 तक। देखो पीएम मोदी ने कहा इसी साल पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग की शुरुआत की गई है, यानी कि अब पेट्रोल के अंदर क्या है 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग की शुरुआत की गई है। इसमें सरकार का मकसद यह है कि साल 2025 के अंत तक पूरे देश में हर जगह पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल करें लिया जाएगा, यानी कि पूरे देश के अंदर यानी कि हर जगह पूरे देश में पेट्रोल के अंदर 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा जाएगा, और लगभग लक्ष्य इसका रखा गया है 2025 तक। ये शानदार पॉइंट है, एग्जाम के अंदर टप कर सकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विदेशों में भारतीयों के शवों के निर्बाध स्थानांतरण के लिए सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? लगा लो स्टार, डबल स्टार लगा लेना क्योंकि एग्जाम के अंदर टपकेगा। तो हाल ही में विदेशों में भारतीयों के शवों के निर्बाध स्थानांतरण के लिए सरकार ने ई केयर पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए, कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? ई केयर पोर्टल लॉन्च किया है। देखो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, तो अपने स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। उन्होंने कहा केंद्र सरकार विदेश में मरने वाले भारतीय नागरिकों के शवों के तेजी से हस्तांतरण की सुविधा के लिए ई केयर का मतलब होता है जीवन के बाद के अवशेषों के लिए ई क्लियरेंस, इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। यानी कि जो भारत के अंदर आपको पता है विदेशों के अंदर जो भारतीय नागरिक हैं उनके शवों को क्या तेजी से हस्तांतरण यानी कि उनको स्थानांतर कहीं दूसरी जगह सुविधा के लिए उन्होंने क्या ई केयर पोर्टल लॉन्च किया। और ई केयर का मतलब याद रखना कि जीवन के बाद के अवशेष के लिए ई क्लियरेंस उन्होंने पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी दी है? किस राज्य के मंत्रिमंडल ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी दी? तो ये दी है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। किसने दी है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। देखो उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 1 अगस्त को जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य है राज्य को पानी पर्यटन और एडवेंचर स्पोर्ट्स स्थल बनाना है। यानी कि राज्य को क्या है? पानी पर्यटन बनाना, और साहसिक खेल का मतलब है एडवेंचर स्पोर्ट्स स्थल बनाना, यानी कि खेल जो है जगह उनको बनानी एक साहसिक खेल के लिए। और इस नीति को सरकार द्वारा घोषित होने की तिथि से 10 वर्ष के लिए मान्य किया गया है, यानी कि 1 अगस्त को इसको मंजूरी मिली है और आगामी 10 वर्षों के लिए इस नीति को मंजूरी दी गई है। तो कोर्स किसने मंजूरी दी है? जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी दे दी उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी पवन चक्की शुरू की है? हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी पवन चक्की शुरू की है? पवन चक्की तो आपने देखी होगी, इस तरह के पंखे लगे होते हैं जो क्या बिजली का उत्पादन करते हैं। अपने इधर जाते हैं ना राजस्थान में जैसलमेर बाड़मेर की तरफ से, तो वहां पर इधर ऐसे बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं जो क्या है बिजली उत्पादन करते हैं। ऐसे ये एक पंखा घूमता है ना इस तरह, एक चक्र ये लगा के आता तो बहुत सारी बिजली उत्पादन कर देता है। तो दुनिया की सबसे बड़ी पवन चक्की किस देश ने शुरू किया है? तो ये की है चीन देश ने, ठीक है। आपको सबसे ज्यादा पता है चीन देश ऐसे काम है सबसे ज्यादा करता है। दुनिया की सबसे बड़ी पवन चक्की किसने शुरू किया है? चीन देश ने। चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी पवन चक्की शुरू की है। इस चक्की से 3 सदस्यों वाले 36,000 घरों को उनकी जरूरत की बिजली मिल सकती है। यानी कि 3 सदस्य वाले जो जितने भी 36,000 घर है ना उनको अपनी जरूरत के अनुसार बिजली मिल सकती है। चीन के 3 गार्जेस्ट कॉरपोरेशन ने फुजियान प्रांत के पास अपतटीय पवन फोरम में 16 मेगावाट की क्षमता वाली पवन चक्की की शुरुआत की है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी पवन चक्की लगा दी किसने? चीन देश ने लगाई है। भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर क्या है? भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर क्या है? तो ये है 5 पॉइंट है, ये सॉरी 6.1%। कितनी है? 6.1%। तो इसका याद रखना उत्तर कितना हो जाएगा? 6.1% है भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर है। यानी कि आपको पता है 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है बनाते हैं। तो अब की बार बाघों की आबादी की जो वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर है वो है 6.1%। देखो भारत में बाघों की आबादी प्रति वर्ष 6.1% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ 3,925 अनुमानित की गई है। इसमें पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री हैं अश्विनी कुमार ने इसकी रिपोर्ट सौंप दी है। राज्य मंत्री अश्विनी कुमार है, वैसे अपने केंद्रीय जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है?
भूपेंद्र सिंह यादव। ठीक है, पिछले साल मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के जश्न के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघों की न्यूनतम आबादी 3,167 घोषित है की थी। तो न्यूनतम आबादी 3,168 घोषित की, मतलब की अब की बार कितनी है, 3,925 अनुमानित है की गई। तो ये आंकड़ा याद रखना है बढ़िया तरीके से। भारत की G20 अध्यक्षता में थिंक 20 शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित की गई है? तो अब की बार आपको पता है भारत के पास G20 की अध्यक्षता कर रहा है भारत है, तो उसकी अध्यक्षता में थिंक 20 शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित की गई? ये की गई थी मैसूर के अंदर। ठीक है, कहां पर की गई है? मैसूर के अंदर है भारत की G20 अध्यक्षता में थिंक 20 शिखर सम्मेलन आयोजित की गई है। देखो थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत के ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF की G20 प्रेसिडेंस के तहत मैसूर में इसका आयोजन किया गया। 3 दिवसीय सम्मेलन में दुनिया भर से 7 थिंक 20 टास्क फोर्स के प्रतिष्ठित सदस्य ने भाग लिया है। तो इसका जो 3 दिवसीय इसका जो सम्मेलन इसका आयोजन किया गया कहाँ पर है? मैसूर के अंदर है। किसका? G20 प्रेसिडेंस के तहत किसका? थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन इसका मैसूर के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत आंदोलन ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत, यहाँ पे एक ओकर दिया है, अमृत नहीं अमृत वृक्ष, ठीक है ये याद रखना, अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है। किसने ये किया है? असम के मुख्यमंत्री हैं हिम्मत बिस्वा शर्मा। ठीक है, असम के मुख्यमंत्री कौन है? हिम्मत बिस्वा शर्मा ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है। किसने? असम के मुख्यमंत्री ने। देखो असम सरकार ने वनों को बढ़ावा और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए अमृत वृक्ष आंदोलन के नाम से एक ऐप लॉन्च किया। किसे? अमृत वृक्ष आंदोलन नाम से एक ऐप लॉन्च किया। इस महत्वपूर्ण पहल के तहत सितंबर में 1 दिन में 1 करोड़ पौधों को लगाने का लक्ष्य है। तो आने वाली 1 सितंबर है, ठीक है, सितंबर में क्या है, 1 दिन के अंदर 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है कि राज्य के अंदर हरियाली अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई लड़ने में एक महत्वपूर्ण है कारागार साबित होगी। तो उन्होंने अमृत वृक्ष आंदोलन नाम से ऐप लॉन्च किया। किसने? असम की राज्य सरकार ने। हाल ही में फॉर्च्यून ग्लोबल टॉप 100 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो फॉर्च्यून ग्लोबल टॉप 100 में अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो ये स्थान प्राप्त किया है 88वां। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो टॉप 100 के अंदर शामिल हो चुकी है, तो इसके अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 88वां स्थान प्राप्त किया है। देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में टॉप 100 में जगह बना ली, यानी कि 500 टॉप 500 लिस्ट के अंदर टॉप 100 में जगह बना ली रिलायंस ने। रिलायंस इंडस्ट्रीज अब 88वें स्थान पर आ गई है और इसने ये कमाल करने के लिए 16 स्थानों का उछाल हासिल किया है। तो ठीक है, ये पहले क्या है, लगभग 16 स्थानों का उछाल कर दिया, तो 12 और 4 लगभग, यानी कि 104वें स्थान पर पहले थी ये। ठीक है, कितने स्थान पर है? 104वें स्थान पर थी लगभग, और ये अब की बार 188वें स्थान पर आ चुकी है। हाल ही में वर्ल्ड क्राइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने की है? हाल ही में वर्ल्ड क्राइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट की शुरुआत की है किसने? OpenAI ने। ऑप्शन नंबर बी किसने की है? OpenAI ने वर्ल्ड क्राइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। बस थोड़ी सी आपको डिटेल इसकी याद रखनी है। OpenAI के CEO हैं सैम ऑल्टमैन ने दो सॉल्टमैन यानी कि सैम ऑल्टमैन ने दो को फाउंडर्स के साथ वर्ल्ड क्राइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से उपयोगकर्ता को एक वेरीफाइड डिजिटल पहचान और फाइनेंशियल प्रोजेक्ट तक पहुंचे मिलेगी। तो बस ज्यादा आपको डिटेल में जाने की इसकी जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है भी ओपन एआई ने सीईओ कौन है इसके? सैम ऑल्टमैन है, और इन्होंने वर्ल्ड क्राइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। बस इतना ही आपको याद रखना है। किस देश में बारिश ने 140 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, यानी कि सबसे ज्यादा बारिश हुई है कहां पर है? चीन के अंदर है। तो अब की बार है 140 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया चीन देश के अंदर है बारिश ने। ठीक है, तो 140 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है चीन देश के अंदर, सबसे ज्यादा बारिश हुई है चीन में। देखो चीन में बारिश ने 140 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले 5 दिनों में बीजिंग में 744.8 मिलीमीटर यानी
29.3 इंच वर्षा वर्षा दर्ज की गई है। ठीक है, कहां पर है? 29.3 इंच है और यह वर्षा टाइफून दोकसुरी के कारण है। और ये तो एक तूफान का नाम है, ये याद रखना भी बढ़िया तरीके से, टाइफून दोकसुरी। ठीक है, ये तूफान का नाम है, इसके कारण यहाँ पर वर्षा हो रही है। और अब की बार आपको पता है अपने राजस्थान के अंदर भी बहुत सबसे ज्यादा बारिश हो रही है। ठीक है, तो चीन के अंदर सबसे ज्यादा बारिश हुई है, 140 वर्षों का रिकॉर्ड है तोड़ा है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और चैनल पे आप प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो हमारे चैनल ग्रुप को आप ज्वाइन करें, लगभग 11,200 प्लस हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। कोई लिंक है, कोई सूचना, सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? किस केंद्रीय मंत्री ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो ये हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली के अंदर बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन ने लॉन्च किया है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारी जो है जुलाई मंथ की पीडीएफ तैयार हो चुकी है अभी, अगर इंडिया और राजस्थान करंट अफेयर्स की जुलाई मंथ की पीडीएफ तैयार हो चुकी है, अगर कोई विद्यार्थी लेना चाहे 8239355343 इस नंबर पे पेटीएम फोन पे की सुविधा है, और व्हाट्सएप के माध्यम से कोई विद्यार्थी लेना चाहे तो 20 रुपये आपका चार्ज लगेगा। राजस्थान और इंडिया दोनों के आपको जुलाई मंथ की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो कोई लेना चाहे तो इस व्हाट्सएप पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल में किस शहर में देश की पहली वर्ल्ड कॉफी कॉम्प्लेक्स का आयोजन होगा? हैदराबाद, नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और मुझे तारीख भी बताओगे साथ में भी इसका आयोजन कब किया जाएगा। सितंबर में इसका आयोजन होगा, लेकिन आप तारीख मुझे बताओगी भी सितंबर में कब इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, लगातार आपको सुबह मेरी 6 बजे करंट की क्लास मिल रही है, और जो आपको मेरी शाम को ये 4 बजे क्लास मिल रही है ना, इसके जो टेस्ट है ना, लगभग मैंने 23 सीरीज आपको कल शाम तक करवा दी। अब आपको धीरे धीरे जो मैंने जितनी भी सीरीज करवाई है ना, वो आपको सब आपको टेस्ट सीरीज के अंदर आपको मिल जाएगी। ठीक है, एक एक करके एक साथ लगभग आगामी 3 से 4 दिनों के अंदर आपको लगभग टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। इसकी जो भी जितने भी मैंने यहाँ पर 22-23 सीरीज करवाई, सभी की सभी क्लासों की टेस्ट सीरीज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी, चाहे सूचना सहायक है, चाहे संगणक है, चाहे आपको पता है कोई भी एग्जाम हो, जो मैंने टेस्ट सीरीज चल रही है, जूनियर अकाउंटेंट है, तो सबके अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इतना बड़ा आपके लिए मैं इतनी मेहनत के साथ आपको लगातार टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, लगातार आपको क्लासेज दे रहा हूँ, और बहुत जल्दी आपके लिए आज हो सकता है 9 या सुबह 10 बजे तक आपको अलग से एक पुरस्कार का भी वीडियो मिलने वाला है, तो उसकी सूचना भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को एक बार लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।